देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, अभी मुझे ये देखो यहां पर बच्चों ऐसे ये हिंज है, ठीक है, क्या है ये, समझ पा रहे हो, ऐसे हिंच है। अब ये कह रहा है गेट का साइज क्या है, स्क्वायर गेट है, ठीक है ना, साइज क्या है 1x1, ठीक है, ऐसे समझ पा रहे हो, ये कुछ ऐसा ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ऐसा गेट होगा बच्चों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है मतलब इसके अंदर जो होगा ना वो कितना होगा, 1 मीटर होगा, ऐसा समझो, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है नीचे बच्चों कितना फोर्स लगाए कि जिससे ये स्टेशनरी हो, मतलब 1 मीटर बच्चों लंबा भी है, 1 मीटर क्या तुम्हारा अंदर भी है इसके, ठीक है। हिंज कहां पर है, बीच में है, ठीक है ना, और फोर्स कहां पर है, नीचे लगा है, ठीक है बच्चों, क्या फोर्स चाहिए होगा तुमको, अरे इसको रोकने के लिए फोर्स चाहिए होगा, क्यों देखो इसमें तो बच्चों इस वाले में तो नहीं था, याद है ऐसा क्वेश्चन कराया था, क्योंकि यहां पर फोर्स बच्चों कहां से पास हो रहा था, हिंज से ही पास हो रहा था, अरे ठीक है ना, जो प्रेशर कारण फोर्स लग रहा था किससे पास हो रहा था भाई, सारे का कहाँ से पास होगा, प्रेशर परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, कहाँ से पास होगा, हिंज से पास होगा सभी की लाइन ऑफ एक्शन, बट यहाँ पर देखो सभी की लाइन ऑफ एक्शन बच्चों हिंज से पास नहीं होगी। और आप ये भी सोच सकते हो सर ऊपर वाला इधर दबा रहा है, नीचे वाला इधर दबा रहा है, दोनों अपोजिट रोटेट करा रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या होगा ऐसा, नहीं होगा, क्यों, ऊपर वाला देखो इधर दबा रहा है, राइट साइड दबा रहा है ऐसे, ये वाला इधर दबा रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए बच्चों कि नहीं, ये वीजे कौन वानिका। कौन वानिका, अच्छा मुझे लगा वही वीडियो जॉकी ठीक तो नाम है, 4 लेटर का नाम है, उसको भी शॉर्ट में कर दिया, बताओ वानिका, क्या सर, अरे जो पूछ रहा हूं क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे नहीं भाई क्यों, हाँ मैं हाँ तो मिला देती हूँ, अरे हमेशा हाँ बताओ, अरे भाई नीचे प्रेशर ज्यादा नहीं, ज्यादा तो नीचे वाला फोर्स क्या लगाएगा बच्चों, ज्यादा लगा ही नहीं लगाएगा, ऊपर वाला फोर्स क्या लगाएगा, कम, तो मर्जी किसकी चलेगी, तो ये इधर रोटेट करना चाहिए नीचे करना चाहेगा, इसको रोटेशन के बढ़ाने के लिए क्या लगाएंगे, इधर फोर्स, इधर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, अरे तभी तो फोर्स इधर लग रहा नहीं लग रहा, देखो समझो उस बात को, अरे रोटेशन डेंसिटी बच्चों किधर है, इधर है, तभी फोर्स किधर लगा रहे हैं हम, इधर लगा रहे, आई बात समझ में विजय, आगे सुन, यस। ठीक है ओके। देखो मैंने बताया ऊपर वाले टॉर्क और नीचे वाले बच्चों टॉर्क के अपोजिट है, आई बात समझ में, क्योंकि ये आपका इधर रोटेट करना चाह रहा है, ये किधर लगा रहा है, इधर। अब देखो फोर्स कैसे बच्चों पता, सॉरी टॉर्क पता करना नहीं करना होगा, ये हिंज है तो रोटेशन इक्विलिब्रियम क्या होगा तुम्हारा टॉर्क से, ठीक है ना, कौन कौन बच्चों टॉर्क आपके लगा रहे हैं, तो ये लगा रहा है ऊपर वाला, ये इधर रोटेट करना चाह रहा है और ये भी किधर रोटेट करना चाह रहा है, इधर, दोनों एक डायरेक्शन में, ये वाला नीचे वाला पोर्शन किधर करना चाह रहा है बच्चों अपोजिट, मान लो ये आपका ऊपर वाला बच्चों tau1 हो गया, ऊपर वाला हाफ जो लगा रहा है, ये वाला क्या हो गया टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन सॉरी फोर्स, और ये क्या हो गया तुम्हारा tau2, क्या tau1 और बच्चों tau1 एक दूसरे को सपोर्ट कर नहीं कर रहे, ये किसके बराबर होगा तुम्हारा tau2 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं हम यहां से बच्चों एच हाइट एच डेप्थ पर आ गए, ठीक है ना, अच्छा 1 मीटर है तो आधा कितना होगा, हाफ होगा, तो यहां से देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ माइनस एच, ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यहां पर प्रेशर किसकी वजह से लगेगा, डेप्थ के कारण, ये होगा प्रेशर कितना लगेगा बच्चों रोजी, ठीक है ना, कितना लगेगा जी एच। अब बताओ फोर्स के लिए क्या कर दोगे बच्चों, एरिया से मल्टीप्लाई, देखो एरिया दोनों ठीक है ना, एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसकी विड्थ कितनी है तुम्हारी 1, छोटा सा सेक्शन क्या मान लो डीएच,
क्या मान लो डीएच, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इमेजिन करो ऐसा ऐसा है, ये कितना है तुम्हारा वन और ये कितना है तुम्हारा डीएच, तो ये एरिया कितना हो गया स्क्वायर जो रेक्टेंगल बना नहीं बना वन इंटू डीएच, ठीक है इसी पर लग रहा है ऐसे, तो यहां पर बच्चों क्या होगा तुम्हारा टॉर्क कितना होगा सॉरी फोर्स कितना होगा रो जी एच इंटू वन इंटू डीएच, ये कितना आ गया फोर्स। टॉर्क क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों क्या हो गई, देखो लाइन सॉरी लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई इसकी पॉइंट, इसके बाद पता करना है कितना डिस्टेंस हो गई हाफ माइनस एच, कितना हो गया बच्चों हाफ माइनस एच, अरे हो गई कहां से कहां तक बच्चों, एच की वैल्यू कहां से जीरो से हाफ तक, अरे टाउ वन के लिए क्या करोगे आप जी, एच की वैल्यू क्या होगी जीरो से हाफ, अरे यही तक तो आएगा नहीं आएगा, टाउ टू क्या करोगे, अरे यार ये क्या हो गया आ रही बच्चों आवाज समझ में आ रही आवाज, यस सर पता नहीं बीमार पड़ रहा है, ये टाउ वन आ गया, टाउ टू के लिए क्या करेंगे उसकी डेप्थ बच्चों यहां से ऐसे समझ लो, ऐसा ले लो यहां से बच्चों क्या ले लो तो h ले लो, बट टॉप से डेप्थ कितनी हो जाएगी 1 बाई टू प्लस h, तो यहां पर tau 2 के लिए क्या आ जाएगा बच्चों देखो h की वैल्यू क्या होगी यहां से 0 से 1 बाई टू, 0 से 1 बाई टू, बट चेंज क्या आ जाएगा बच्चों रो जी एच इंटू वन इंटू डी एच सेम आएगा नहीं आएगा, अरे सेम आएगा, बट यहां पर डेप्थ कितनी हो जाएगी बच्चों सॉरी यहां पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई टू प्लस एच, ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी 1 इंटू डी एच, ये फोर्स आ गया, और देखो यहां पर लग रहा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन से डिस्टेंस कितनी है h, ये tau 2 आ गया कितना आएगा, और tau f तो देखो tau f यहां पर लग रहा है ये डिस्टेंस कितना है हाफ मीटर, ठीक है ना कितना आ जाएगा देखो ये मल्टीप्लाई कर दो तो h बाई टू माइनस एच स्क्वायर कितना आ जाएगा h बाई टू, लिख दे रहा हूं रो जी एच बाई टू माइनस एच स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये एच स्क्वायर बाई फोर माइनस एच क्यूब बाई थ्री, राइट एच स्क्वायर बाई फोर माइनस एच क्यूब बाई थ्री प्लस टाउ एफ कितना आ जाएगा एफ इंटू वन बाई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों टाउ टू, करो करो जल्दी से यहां पर क्या रख दो जीरो से वन बाई टू, करो जल्दी से प्लस कितना इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा tau 2 बच्चों कितना है तुम्हारा रो जी यहां पर क्या आ जाएगा h स्क्वायर बाई फोर प्लस आ जाएगा h क्यूब बाई थ्री, कितना आ जाएगा जीरो से वन बाई टू, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा ये एक मिनट में कर रहा हूं रो जी ये कितना आ जाएगा 16 वन बाई सिक्सटीन माइनस वन बाई चौबीस कितना होगा वन बाई फोर्टी एट ना वन बाई फोर्टी एट यस वन बाई फोर यस यहाँ पर एच स्क्वायर बाई फोर तो है वन बाई बारह तो रोजी एच बाई सिक्स आ जाएगा ये रोजी सॉरी रोजी बाई सिक्स आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों रोजी बाई सिक्स यही आ रहा है देख लो करके देखो सी ऑप्शन मैच कर रहा है आपका अरे देखो ये एच स्क्वायर बाई फोर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा ना इधर भी है जीरो से वन बाई टू सेम लिमिट है ये क्या आ जाएगा वन बाई टू क्यों क्या होगा आठ आठ थ्री क्या होगा चौबीस इधर निगेटिव उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो टू बाई ट्वेंटी फोर कितना हो जाएगा वन बाई ट्वेल्व ना वन बाई ट्वेल्व और यहाँ पर क्या है
वन बाई टू है नीचे ना, तो टू से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड, इधर तो एफ आ जाएगा, उधर वन बाई ट्वेल्व का क्या हो जाएगा, वन बाई सिक्स। सी ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चा, कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। आई बात समझ में, हुआ था ये ठीक है? नो सर। चलो आ गया ना अभी सारे बच्चों को, आ गया, किसी को डाउट है तो बताओ, शर्माना नहीं। यहां पर बच्चों देखो ये ऊपर जा रहा है किससे, जी बाई थ्री से, क्यूबिकल ब्लॉक है। अच्छा ऐसे हाफ समर्स है बच्चों, कितना समर्स है, हाफ, ऐसे समझ लो कितना समर्स है, हाफ। अब कह रहा है देखो इससे बच्चों तुम डेंसिटी, ब्लॉक की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी की भी रिलेशन निकाल सकते हो। देखो हाफ समर्स है मतलब कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा लिक्विड का, हाफ जो लिक्विड का, मान लो लिक्विड टोटल वॉल्यूम क्या है, वी बाई टू, बाइंस कितना लगता है, अगर एक्सेलरेशन आपका नहीं है तो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर लगता है, जब एक्सेलरेशन नहीं है तब वी बाई टू इंटू रो लिक्विड इंटू जी, और नीचे क्या लगेगा, mg क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू इंटू जी। ध्यान से देख लो बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दुगना होगी, v रो लिक्विड बाई टू इंटू टू कितना आ जाएगा, v इंटू रो बॉडी इंटू जी, देखो कितना आ गया, ये वी जी कट गया, रो लिक्विड कितना आ गया बच्चों, रो बॉडी इंटू टू, ठीक है। अब कह रहा है अगर इसको जी बाई थ्री से ऊपर एक्सेलरेट करें बच्चों तो कितना फ्रैक्शन सबमर्ज्ड होगा, ठीक है। जहां तक मुझे याद है किसी का आया था ये, कितना शायद हाफ ही आ रहा है शायद, मुझे कंफर्म नहीं, जहां तक मुझे याद, देखते हैं क्या तुमने लगाया था इस पर, लगाया था, देखते हैं, देख लेते हैं। हाँ अब देखते हैं, मुझे यहां तक याद है, मैं मेमोरी कर रहा हूँ, मैथ देखते हैं, मैथ सही कह देगी, ठीक है ना। कितना लगता है बच्चों, जी बाई थ्री नीचे है ना, तो जी इफेक्टिव कितना होगा, जी माइनस ए, अच्छा ऊपर है, अच्छा ऊपर है, ऊपर है, हाँ ऊपर है, जी इफेक्टिव कितना होगा, जी माइनस ए, तो जी माइनस माइनस जी बाई थ्री, अरे जी बाई थ्री ऊपर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव, तो कितना आ गया बच्चों ये फोर जी बाई थ्री, कितना आ गया फोर जी बाई थ्री। तो कितना लगेगा बच्चों, अभी मान लो वॉल्यूम समर्ज कितना है, वी डैश, वॉल्यूम समर्ज कितना हो गया बच्चों, वी डैश इंटू जी इफेक्टिव कितना हो गया बच्चों, फोर जी बाई थ्री इंटू रो लिक्विड हो गया। और क्या है, एम जी क्या है बच्चों, नीचे, ठीक है ना, वी इंटू कितना आ जाएगा, रो बॉडी इंटू जी, एम जी आ गया, और सूडो फोर्स भी क्या लगेगा, अरे अगर इसकी फ्रेम से देख रहे हो तो रेस्ट में है ये मानो, नहीं तो बाहर से देखोगे तो एक्सलेट कर रही है लिक्विड के साथ, यहां से देखो तो क्या होगा बच्चों, ये रेस्ट में है तो क्या लगेगा, सूडो फोर्स भी लगेगा, क्या लगेगा अभी, mg सॉरी mg बाई थ्री, मतलब v इंटू एम ए लिखोगे ना, v इंटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू जी बाई थ्री। अब ऊपर वाले को नीचे वाले से बराबर कर दो, ये कितना आ जाएगा, देखो दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, फोर फोर बाई थ्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा देख लो, फोर वी डैश जी बाई थ्री इंटू रो लिक्विड कितना आ गया बच्चों, नीचे दोनों को जोड़ दो, फोर रो वी वी कितना आ गया बच्चों, फोर रो वी वी रो बी इंटू जी बाई थ्री, तो फोर बाई थ्री जी क्या हो गया, कैंसिल, वी डैश इंटू रोयल क्या आ गया, रो बॉडी इंटू वी, रो बच्चों कितना है तुम्हारा, रो लिक्विड कितना था, रो बॉडी का डबल था, टू वी डैश इंटू रो क्या था ये, बॉडी,
रो बॉडी इनटू वी, रो बॉडी कट गया, वी डैश कितना आ गया वी बाई टू, अभी भी कितना समर्ज्ड है, हाफ ही सही कह रही थी मेमोरी, क्या गलत किया था। किसी का मैच किया था ये, सर आधा हुआ था, आधा हुआ था, ये क्या है आधा हुआ था मतलब आगे नहीं हो पाया था। अरे ये तो था, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी था। हाँ सर वो मेरे को या मतलब रिलेशन ही निकाला था मैंने तो। हाँ ठीक है चलो। तनुष्का कुछ हुआ था, नहीं कर रही हो तुम, सर नहीं हुआ है। नहीं हुआ था, देखो कल टेस्ट है ध्यान देना, ठीक है। वैसे मतलब ग्रुप पर नहीं आएगा बट फिर भी प्रिपेयर करके आना, बेसिक्स जो पढ़, ठीक है ना, जो अभी तक पढ़ रहे हो वही है, ठीक है, ऐसा कुछ बाहर से नहीं आएगा, देखकर मत आना, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ग्रुप पर नहीं आ रहा है ना कोई प्राइज वगैरह मिल रहा है। देखो बच्चों ये है सेम उसी पर है बच्चों, किससे जा रहा है ये, ए से किधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या था कि रस्सी में टेंशन क्या था बच्चों, टी नॉट था जब सिस्टम रेस्ट में था, मतलब बायंसी ज्यादा लग रहा होगा तभी तो टेंशन है रस्सी में। मान लो लिक्विड की डेंसिटी क्या बच्चों, रो, रो लिक्विड, वॉल्यूम क्या है वी, वी इंटू रो लिक्विड इंटू जी, शुरुआत में तो जी इफेक्टिव जी ही रहेगा, नीचे बच्चों रस्सी है टेंशन किधर रहेगा, नीचे कि रस्सी नीचे तो टेंशन नीचे, इधर क्या लगेगा वी इंटू रो बॉडी इंटू जी, ठीक है ना। तो टी नॉट ऊपर बच्चों बैलेंस कर दो इसको, वी इंटू रो लिक्विड इंटू जी किसके बराबर होगा, टी नॉट प्लस वी इंटू रो बॉडी इंटू जी। तो टी नॉट कितना आ जाएगा, देखो आपका वी जी कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा बच्चों, रो लिक्विड माइनस रो बॉडी, ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक्सेलरेशन बच्चों क्या कर दे, ऊपर कर दे, तो रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा ये पूछा है। जैसे बात टी नॉट नहीं होगा, ये सारे आंसर आपके नहीं दे रखे, ठीक है, किसी में टी नॉट नहीं करा। अब देखो कैसे करोगे बच्चों, क्या क्या चेंज आएगा, जी इफेक्टिव में चेंज, जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगा, जी प्लस ए नहीं होगा, जी माइनस ए होगा, अरे ऊपर जा रहा नहीं जा रहा अभी, तो सर ऊपर जा तो सर जी प्लस ए, सॉरी सॉरी, अरे ऊपर जा रहा है ना बच्चों, तो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी माइनस माइनस ए कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, ठीक है। तो क्या होगा ऊपर बच्चों, अभी आप क्या लिखोगे, वी इंटू रो लिक्विड, अरे भाई बायंसी में क्या लिख दोगे, जी प्लस ए, और क्या लगाओगे, सूडो फोर्स भी लगाओगे, बाकी सारे तो वही रहेंगे ना, मान लो टेंशन क्या हो गया बच्चों, टी हो गया, टेंशन चेंज हो गया मान लो टी, और एम जी तो उतना ही रहेगा अभी, v into rho body into g, ठीक है। अरे अभी तो क्वेश्चन किया था ना स्प्रिंग वाले में, वही तो है, अरे याद ही नहीं याद है बच्चों, कितना आया था तुम्हारा, अरे kx1 कितना आ गया था, देखो v into rho liquid into rho liquid minus rho body, ये लिखा था मैंने अभी, g minus g plus a, उसमें g नीचे था, अरे यही आएगा के एक्स क्या तुम्हारा, स्प्रिंग में टेंशन है यहाँ पर, रस्सी में टेंशन होगा बस, और कुछ नहीं, अरे वही तो है क्वेश्चन, अरे समझो तो मोनिका, यस सर हो गया था, वही तो है, यहाँ पर क्या लेगा बच्चों, एम ए ऊपर है तो कितना लेगा, एम ए वी इंटू रो बॉडी मास आ गया इंटू ए, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर कर दो, v into rho liquid into किसके बराबर होगा तुम्हारा, टेंशन प्लस mg कितना था, v into rho liquid into g, सॉरी rho body into g, rho body into g, और क्या था तुम्हारा, ma था v into rho body into v into rho body common है, क्या हो जाएगा, g plus a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, v into rho body कितना हो जाएगा बच्चों, g plus a, यहाँ पर कितना आ गया, v into rho liquid into g plus a,
अब देखो वी इंटू बच्चों जी प्लस ए कॉमन है राइट, इधर ले जाओगे तो क्या होगा v इंटू रो v इंटू जी प्लस ए कॉमन, इधर भी क्या है v इंटू जी प्लस ए कॉमन है, कॉमन लोड क्या हो जाएगा रो लिक्विड माइनस रो बॉडी, कितना हो जाएगा v इंटू जी प्लस ए कॉमन है बच्चों, क्या हो जाएगा रो लिक्विड माइनस रो बॉडी। अब याद है पहले कितना आया था तुम्हारा टेंशन टी नॉट v इंटू रो लिक्विड माइनस रो बॉडी इंटू जी, यही तो था टी नॉट, कितना था बच्चों v इंटू रो लिक्विड माइनस क्या था रो बॉडी इंटू जी, यही था। अब क्या कर दो v v v इंटू रो लिक्विड माइनस रो बॉडी क्या हो जाएगा टी नॉट बाई जी, अरे v इंटू रो लिक्विड माइनस रो बॉडी कितना हो जाएगा बच्चों टी नॉट बाई जी, यहां पर है कि नहीं है v इंटू रो क्या रख दो टी नॉट बाई जी, टी नॉट बाई जी इंटू क्या बचा जी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों टी नॉट वन प्लस ए बाई जी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ए। देखो अगर इसीलिए मैं कह रहा था एग्जैक्ट तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो तुम डिक्रीज हो रहा है इलेवेंथ में कर देते ठीक है, इलेवेंथ है ना स्प्रिंग वाला ठीक है ना, बट इसमें तो एग्जैक्ट तुमसे डेटा पूछा था, अरे ठीक है इसमें गड़बड़ हो जाता, छोटा क्यों नहीं हो रहा छोटा हो गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों, एक मिनट ये बड़ा हो गया तो छोटा नहीं हो रहा था, अच्छा इतना ही बड़ा है वैसा ही है। छोटा नहीं हो पा रहा है, अच्छा हाँ अच्छा, तीन आइडेंटिकल ब्लॉक्स है बच्चों ठीक है, ये बताया था ऐसा क्वेश्चन कि अगर पानी में हाथ डालो अगर नहीं टच हो रहा है फिर भी रीडिंग बढ़ेगी बच्चों, बताया yes. था ठीक है ना, क्योंकि बच्चों बायंसी आपके हाथ पर लिक्विड लगा रहा है ऊपर, तो आप लिक्विड पर किधर लगा रहे हो फोर्स नीचे ठीक है, दो एक मिनट इसमें ठीक से दिख नहीं रहा, अच्छा तीन आइडेंटिकल ब्लॉक्स है बच्चों मास वन केजी, एक तो बाहर ही है और क्या कह रहा है फिगर ए ठीक है, फिगर ए में बच्चों कितना रीड करता है 14 न्यूटन रीड करता है, कितना रीड करता है 14 न्यूटन, फिगर ए में बच्चों ऐसा देखो 1 केजी बाहर है, क्या 1 केजी किसी तरीके से यहां पर बच्चों कुछ पानी भरा हुआ है, यहां पर क्या है तुम्हारा ये अटैच्ड है, क्या किसी तरीके से 1 केजी इसकी रीडिंग को अफेक्ट कर रहा होगा? नो सर। नहीं, इसका मतलब जो रीडिंग 14 न्यूटन की है वास्तव में क्या ये लिक्विड का वेट ही तो है, वही तो मेजर कर रहा होगा बच्चों। अब अगर मान लो दूसरे में क्या कर दिया, इसको डुबो दिया बच्चों पानी के अंदर, तो जाहिर सी बात है कितना देखो बायंसी कितना लगा रहा होगा लिक्विड इस वेट पर ऊपर, तो ये किधर लगा रहा होगा लिक्विड पर बायंसी नीचे, नीचे अगर दबाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी रीडिंग बढ़ेगी, अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बच्चों स्प्रिंग yes, कितनी बढ़ेगी बायंसी के बराबर, तो पहले 14 न्यूटन तो वैसे ही था प्लस अभी क्या हो गया है एफ बी बढ़ गया, एफ बी कैसे निकालोगे वी रो जी लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम कितना दे रखा है 3 × 10⁻¹⁰ माइनस रो लिक्विड बच्चों वाटर का 10⁻³, जी की वैल्यू क्या रखोगे 10, तो 10⁻⁴ माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 0, कितना आ गया 3, तो 3 न्यूटन क्या हो गया और बढ़ गया, अरे हरी बात समझ में, तो कितना होगा इसमें वेट बच्चों कितना हो जाएगा 17 न्यूटन प्लस 13 कितना हो जाएगा 17, इसमें कितना होगा अगले वाले में, यहां पर बच्चों क्या कह रहा है अगले वाले में इसको यहां पर रख दिया गया, क्या किया गया यहां पर ऐसे वेट को बच्चों रख दिया आपने, पानी भर दिया गया। अब बताओ
क्या रीडिंग होगी बच्चों अभी? सर ब्लॉक की, ब्लॉक का वेट प्लस लिक्विड का वेट। हाँ क्यों सर? ब्लॉक एकदम नीचे है। बायंसी भी तो लग रहा होगा। देखो नॉर्मल भी लग रहा होगी तो आ रहा है विजय समझ में? नॉर्मल भी तो लग रहा है। यस सर। हाँ देखो सही कह रही हो बट सही रीजन नहीं पता था। देखो मुझे कितना मतलब कितना नीचे दबा रहा है वो, ये नॉर्मल कितना तो लगाएगा 1 kg पर? ऊपर समथिंग कुछ लगाया और कुछ बायंसी में लगाया, किधर लगाएगा? ऊपर। तो ये जो है लिक्विड पर किधर लगाएगा बच्चों? नॉर्मल भी किधर लगाएगा? नीचे। और बायंसी भी तो लगाएगा ऊपर। तो वास्तव में नॉर्मल प्लस बायंसी के बराबर वेट क्या हो जाएगी? रेटिंग बढ़ जाएगी। अब सोचो ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? क्यों इस पर नॉर्मल भी लग रहा है प्लस क्या लग रहा है? बायंसी भी किसके बराबर है? ये 1g के बराबर है। तो वास्तव में कितना वेट बढ़ा तुम्हारा? नॉर्मल प्लस एफ बी मतलब क्या बढ़ा? mg के बराबर हो गया। अरे हो कि नहीं हो गया? तो कितना हो गया? 14 प्लस mg मतलब 1g कितना हो गया? 24 न्यूटन। ठीक है यार ये छोटा क्यों नहीं हो रहा सर? इसमें एक बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा ना? हाँ मल्टी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। पहले पहले में तो रीडिंग क्या होगी बच्चों? 10 न्यूटन होगी टेंशन की। क्या पूछा है? पहले में रीडिंग ही पूछा है ना टेंशन। तो टेंशन बच्चों क्या होगी पहले में? 10 न्यूटन। दूसरे बच्चों बायंसी कितना लग रहा था? 3 न्यूटन। तो टेंशन यहां पर देखो टेंशन प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा? 10। तो टेंशन कितना हो जाएगा इसमें? 7। कितना हो जाएगा दूसरे में रीडिंग? 7। ठीक है तो इसका मतलब तुम्हारा बीबी सही है बच्चों। अरे बीबी सही है आपका। तीसरा देखो करा रीडिंग ऑफ स्केल इन बी 17। हाँ ये भी सही है। केस बी में रीडिंग करा स्केल की बच्चों कितना है? 17 न्यूटन। हाँ ये भी सही है। चौथे में कह रहा रीडिंग ऑफ स्केल इन सी 24 न्यूटन। ये भी सही है। तो क्या है ये सारे सही है। ठीक है अरे आ गया समझ बच्चों? यस सर। अच्छा क्वेश्चन था। देखो अगला अगला तो रेंज पर बेस्ड है याद है कि नहीं याद है? ऐसा क्वेश्चन कराया था। अब इसके आने वाले जो चैप्टर्स है ना बच्चों ठीक है ना बारिंग उसको छोड़ दो क्या नाम है आपका ऑसिलेशन ठीक है ना ऑसिलेशन भी इजी है। सारे चैप्टर्स बहुत ही आसान है ठीक है बहुत ही आसान तो आसानी से नंबर मिल जाएगा ठीक है ना। मतलब जो आपके आ रहे थे फॉर एग्जांपल अगर 12th भी आसान है 11th कंपैरिजन में सर बता रहे होंगे सर नहीं कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ 12th आसान है कंपैरिजन में तो इससे अच्छा ही आएगा ठीक है ना। तो 200 क्रॉस करना है हमको अगले साल ठीक है। अरे यारी बात समझ में वानिका तुमको 500 करना है इस साल खत्म खत्म होते। देखो यस सर सोचो उसमें क्या क्या कैसे करें ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले सर से जुड़ो उनसे पूछो केमिस्ट्री मुझसे पूछो क्या दिक्कत आ रही है कि बायो में तो तुम ला ही रहे हो ठीक ठीक है जो भी दिक्कत है ठीक है कैसे हम शॉर्ट में करें अमित सर से ये एग्जैक्टली पूछा करो कैसे सर शॉर्ट में करें ठीक है मतलब okay, कैसे sir. आपकी थॉट प्रोसेस कैसे आप कैसे सोचते हो मान लो क्वेश्चन का दिक्कत ये समझो समझ पाए नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चन होता है मैं बहुत जल्दी कर देता हूँ क्यों क्योंकि मैं जल्दी सोच पाता हूँ ऐसा नहीं बहुत जल्दी कैलकुलेशन है मेरी। ये बच्चों 0.81 मीटर ऐसा है क्या है यहाँ से डेप्थ है ठीक है और ये कितना दे रखा है 1 मीटर नीचे राइट और ये कहाँ तक है आपका 1 मीटर यहाँ तक है यहाँ पर कुछ वॉल वगैरह दे रखी है कितना है ये आपका 1 मीटर ठीक है। टाइम इंटरवल इन सेकेंड्स आफ्टर विच वाटर जेट सीजेस टू क्रॉस फाउंड टू बी अल्फा क्यूब
अगर बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक दे रखा है 0.5, मतलब ये टैंक मतलब क्या बच्चों, ये वाला एरिया क्या पहले देखा है, दे रखा है, ये क्या दे रखा है, रूट फाइव, और क्या दे रखा है इसका स्मॉल है, ये जो छेद है बच्चों इसका क्या है स्मॉल है, स्मॉल है बहुत कम है, नहीं है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर वेलोसिटी जीरो मान सकते नहीं मान सकते, 32 × 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों कह रहा है कब, ये देखो अच्छा ऊपर जब ज्यादा हाइट होगी यहां पर लिक्विड ज्यादा तेजी से निकल रहा होगा तो ज्यादा दूर जा रहा नहीं ज्यादा जा रहा होगा, अरे यार नहीं आ रहा होगा। yes. अब अगर हाइट कम हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा बच्चों, लिक्विड की हाइट कम है प्रेशर कम, तो एक समय जस्ट आएगा जस्ट यहां पर गिर रहा होगा, जस्ट यहां पर, उससे थोड़ा सा भी कम हुआ तो क्या हुआ बच्चों, क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो मुझे उस हाइट पर निकालना है बच्चों जब लिक्विड कहां स्ट्राइक कर रहा है, यहां पर स्ट्राइक कर रहा है, मान लेते हैं उस समय इसकी हाइट कितनी थी बच्चों, h, जब यहां पर गिर रहा था एग्जैक्टली, तो याद है रेंज बच्चों स्पीड कितनी आएगी तुम्हारी, रूट टू gh, याद है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, अरे भाई याद है ना u into time, time of flight, क्या था time of flight, 2h by g था कि नहीं था, yes sir, यहाँ पर yes, कितना height हमारे बच्चों ये 1 meter, तो कितना आ जाएगा ये h की value 1, 2 by g क्या आ गया 2/10 root 5, इसीलिए root 5 दे रखा है तुमको, ठीक है, अरे हो गया ये 2gh, ये क्या आ गई बच्चों range, range कितनी है यहाँ गई 1, तो देखो जी से जी कैंसिल भी हो जाएगा, वैसे 2gh इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 2/g इक्वल टू कितना आ गया ये 1, जी से जी कैंसिल, तो 2√h कितना आ गया बच्चों 1, तो h कितना आ जाएगा स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 1/4 मीटर, हाँ मतलब कितना आ जाएगा, चलो पार्थ भी बोलने लगा 0.25 मीटर, कितना आ गया 0.25 मीटर, तो खाली कितना हुआ बच्चों, पहले 0.81 तक नहीं था यहां से, अभी कितना बचा 0.25, तो खाली कितना हुआ बच्चों 0.81 - 0.25, अरे हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, याद है उसका फॉर्मूला निकला था, एक मिनट देखो क्या लिमिट जीरो से थी क्या, अच्छा याद है टाइम कैसे निकाला था बच्चों हमने, यहां तक लिख लिया है सभी ने, यस सर, ठीक है ना, पहले हाइट बच्चों कितनी थी 0.81, अभी कितनी हो गई 0.25, देखो दोनों आपके स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, उसका 0.9 इसका 0.5, आपका कितना जाएगा 0.5, देखो याद है ना dt कैसे निकाला था बच्चों, वॉल्यूम में डिक्रीज डिवाइडेड वॉल्यूम फ्लो रेट, ये था ना, मान लो बच्चों कितना घटा तुम्हारा डीएच घटा, अरे कितना घट गया तुम्हारा डीएच, इतना तो कितना वॉल्यूम निकल गया तुम्हारा ए इंटू डीएच, कितने टाइम में निकला, वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी ए इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी स्मॉल ए इंटू रूट 2gh, याद है इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चों, इधर क्या गया तुम्हारा टी, यहां पर लिमिट रखी थी कि नहीं रखी थी, कहां तक शुरुआत में कहां था बच्चों 0.81, बाद में कितना हो गया 0.25, या अगर लिमिट उल्टा कर दो बच्चों तो साइन क्या हो जाएगा आपका माइनस से, अगर लिमिट उल्टा कर दो साइन माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे ही रख दो ए बाई ए प्लस 1/√2g, मैं लिमिट बच्चों इंटरचेंज कर रहा हूँ, ऊपर क्या गया 0.21, इधर क्या गया और माइनस खत्म कर दिया, और ऊपर क्या बचा यहाँ पर dh by root h, यही है ना, तो ये क्या जाएगा ऊपर जाकर 2√h, क्या जाएगा बच्चों 2√h, तो a by a 1/√2g क्या गया ये 2√h, कहाँ से कहाँ तक 0.25 to 0.81,
तो यह 0.81 रखोगे तो क्या आएगा 0.9, 2 × 0.9 क्या आ जाएगा 1.8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.25 का स्क्वायर रूट 0.5, तो 1 आ जाएगा राइट। 1.8 माइनस 1 कितना होगा तुम्हारा 0.8, ए कितना तुम्हारा √5 राइट, ये क्या है बच्चों √5, और ये √2g कितना तुम्हारा √20 है ना, और ये कितना है 1/32 × 10⁻⁴, और कितना आ गया ये 0.8 ना, यस सर ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा 1/4 2.2 upon 32 × 10⁻⁴, मतलब 2000/32 4000/32 आएगा, 4000/32, अरे कट जाएगा ना बच्चों ये 48 जाए, और कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ना 1000, तो कितना आ जाएगा 125, यस सर सही करा ना 125 ही तो आएगा, कितना आ गया बच्चों 125 सेकंड, कितना आ गया ये कितने का क्यूब है बच्चों, ये कह रहा है अल्फा का क्यूब है, कितने क्यूब है, टाइम कितना मिला तुमको अल्फा का क्यूब है, अब अल्फा की वैल्यू पूछी है, अल्फा कितना हो जाएगा 5, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप था तो कितना आ गई 5, ठीक है। वो वाला पेज लिख लिया था ना सभी ने, इसको लिख लो, इसके बाद लास्ट है ना ये अगला, ठीक है ध्यान देना अगले चैप्टर बच्चों बहुत ही आसान होंगे, तो थोड़ा तो ठीक है बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म भी होंगे अगले वाले, ठीक है ना, केमिस्ट्री पर बेस्ड है, केमिस्ट्री वैसे भी आसान होती है, हमें सर से ना बताना, ठीक है सर तो खुद ही कहते हैं, अच्छा अच्छा वो खुद ही कहते हैं, अच्छा चलो अच्छी बात है, ईमानदार आदमी है बहुत ज्यादा, ओके लिख लिया, यस सर ठीक है ओके। देखो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है लार्ज ओपन टॉप कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड यूनिफॉर्म एरिया, और बच्चों होल के एरिया क्या है a/100 है, ऐसा है। होल कहां पर किया गया बच्चों, बॉटम पर किया गया नहीं किया गया, हाँ देखो ये 100 टाइम्स जाहिर सी बात है सेम फॉर्मूला लागू होगा √2gh वाला बच्चों, ये क्या a/100 है होल का एरिया, ये तो था ना स्मॉल ए, ये तो लिया था ना हमने स्मॉल ए, और ये क्या है तुम्हारा ए, मतलब टॉप वाला बच्चों 100 टाइम्स बड़ा है, तो काफी बड़ा है तो वहां पर ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम बच्चों हमको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है ना, कंटेनर का वॉल्यूम क्या है बच्चों नेग्लेक्ट करना है, और क्या करना है आपको, देखो ये कह रहा है ना लार्ज ओपन टॉप कंटेनर ऑफ नेग्लेजिबल मास, अरे भाई क्या कह रहा है लार्ज ओपन टॉप ऑफ नेग्लेजिबल मास, तो लिक्विड का जो मास है बच्चों शुरुआत में कितना है m नॉट है, m नॉट कैसे पता करोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होगा बच्चों एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट a इनटू h इनटू रो, ठीक है ना, कितना आ गया a इनटू h इनटू रो, बस मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है शुरुआत में ये था बच्चों। अब क्वेश्चन में कह रहा है अच्छा t इक्वल टू 0 पर, मान लो तुमने लिक्विड ठीक है ना होल कर दिया तुमने, अब कह रहा है t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन बताना बच्चों, कैसे एक्सेलरेशन आएगा, क्यों एक्सेलरेशन आएगा, आगे भाई थ्रस्ट वाला नहीं आएगा फोर्स, ये आगे जा रहा है तो इस पर फोर्स इधर आएगा पीछे, याद है थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला, एफ टी इक्वल टू क्या था बच्चों रो ए वी स्क्वायर,
और वी वी कितना था बच्चों, रूट टू जी एच, याद है रूट टू जी एच, इसको क्या है होल स्क्वायर, कितना जाएगा टू रो ए जी एच, ये आ गया ना, हो गया। और बच्चों क्या होगा तुम्हारा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एफ टी बाई एम, अरे शुरुआत में मास तो बच्चों एम नॉट ही रहेगा, लगभग मान लो ठीक है ना। यस सर। कितना आएगा आपका टू रो ए जी एच, एम नॉट क्या लिखोगे ए एच रो, क्या लिखोगे ए एच रो, तो जी क्या कट जाएगा रो एच कट जाएगा, नहीं कट जाएगा को ए बाई हंड्रेड लिख देंगे, हाँ टू जी ए बाई ए, ये आ गया स्मॉल ए बाय हंड्रेड है ना, हाँ लिख दे रहा हूँ, ट्वेंटी इंटू क्या लिख देंगे बच्चों ए बाई हंड्रेड, और कितना लिख देंगे ए, तो कितना आ जाएगा ये वन बाई फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा दूसरा पार्ट देखो, क्वेश्चन में कह रहा है जब 75% लिक्विड निकल जाएगा तो क्या बच्चों इसके एक्सेलरेशन पर कोई असर आएगा क्या? नो सर। क्यों नहीं? देखो ये समझो, आप ये कह रहे हो सर कि हाइट कम हो जाएगी फोर्स कम लगेगा, समझ पा रही हो, बट मास भी तो कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगा ये भी तब कम हो जाएगा। अब यहां पर देखो यही हो रहा है, हाइट ज्यादा होगी तो मास भी ज्यादा होगा, थ्रस्ट भी ज्यादा लगेगा हालांकि, बट एच एच क्या हो जा रहे हैं कैंसिल आउट, एच पर डिपेंड कर रहा है क्या तुम्हारा एक्सेलरेशन, नहीं वो तो किस पर डिपेंड कर रहा है होल के एरिया पर, और ये इस पर, तो वो क्या रहेगा वही रहेगा, कितना भी लिक्विड निकले चाहे 75% निकले चाहे 50% निकले क्या रहेगा वो सेम रहेगा। अरे आ गया समझ बच्चों, ये आपकी कथा समाप्ति हुई ठीक है। अगर कुछ इसमें ना आया हो कोई भी टॉपिक बच्चों आपको समझ में ठीक है, फ्लूइड का मेरा फेवरेट टॉपिक है तो मैंने अच्छे समझाया था इसको ठीक है, आपको बहुत ही हाई लेवल पर पढ़ाया गया है ठीक है, मतलब आपसे ये एडवांस का भी कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर आप ढंग से पढ़े हो इसको ठीक है। तुम्हारे उसमें मॉड्यूल में तो बहुत कम था उसके, उसको पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता ठीक है। अरे यारी बात समझ में, और बच्चों ये खत्म हो गया, किसी को पूछना है कुछ, एक बार पन्ना पलट के देख लो अपने नोट्स में कोई चीज समझ में ना आई हो ठीक है ना, तो पूछ लो। थर्मल एक्सप्रेशन चालू करेंगे, काफी आसान है ठीक है ना। देख ले सारे बच्चे एक बार, प्रत्युष पार्थ अनुश्री देख लो, अनुश्री तो बहुत दिन बाद आई है, श्रुति श्रेय धनित भाई देख लो। सर फ्लूइड मैकेनिक्स में जो वेरिएशन इन अ प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी वाला पोर्शन था उसमें थोड़ा डाउट है, तो मैं सर आगे पूछ लूंगा क्योंकि ऑनलाइन इतना समझ नहीं आता क्या, मतलब जिसमें डाउट है वो मैं परसों या कल आके पूछ लूंगा। यार उसमें क्या दिक्कत है, तो बहुत ही आसान था फ्लूइड मैकेनिक्स में। हाँ सर कौन सा वाला था सर, मिल नहीं रहा पता नहीं, मैंने सोचा था क्या नीचे जाने पर जो प्रेशर बढ़ता है वो, हाँ सर वही वाला जो आपने यूट्यूब वाला बताया था। अच्छा यूट्यूब वाले, हाँ अच्छा क्वेश्चंस में डाउट है? नहीं सर थोड़ा वो समझ नहीं आया था। कौन सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया था बताओ तो सर, बस ढूंढ रहा हूँ वो मैंने देखा था पहले मिल नहीं रहा, पूछ लेना आकर क्लास में। हाँ सर वही आके पूछ लूंगा मैं। ठीक और कुछ किसी को डाउट? एक बार चैप्टर फिर से पढ़ लेना, इसमें देखो समझने के लिए बहुत ही आसान है ठीक है ना, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इसमें मैथ्स इन्वॉल्व है ठीक है, बट इसमें थिंकिंग लगती है ठीक है ना,
जनरल लाइफ से रिलेटेड है। ओके ओके बच्चों, हेडिंग डालो थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना सर। टेस्ट किसका होगा? कल का। यस हाँ, क्या कह रही हो, किसका होगा? हाँ मतलब चैप्टर कौन सा? चैप्टर वही सारे जो अभी तक पढ़े। क्वेश्चंस देख लेना जो कराए, ढंग से एक बार पढ़ लेना, जो एग्जांपल कराता हूँ ठीक है ना, जो थ्योरी पढ़ाता हूँ बस वही पढ़ लेना, जो जो भी अभी तक आए हैं। देखो मैंने जो जेई मेन से क्वेश्चंस वही कॉपी पेस्ट किए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला है आज तक जो आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन ना कराए गए, सारे पर बेस्ड क्वेश्चन कराए गए हैं ठीक है। और ट्वेल्थ में भी यही होगा, एकदम डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको थर्मल एक्सपेंशन बच्चों, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? अरे बताओ। टेम्परेचर की वजह से कुछ चीज। हाँ, थर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों? हीट। हाँ, टेम्परेचर रिलेटेड, ठीक है ना, हीट या टेम्परेचर रिलेटेड कह सकते हो ठीक है। और एक्सपेंशन मतलब क्या हो रहा है, जब किसी बॉडी को हीट देते हो या टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है बच्चों, उसमें एक्सपेंशन होता है, इसे क्या कहते हो, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। लिखाएंगे तो नहीं इसको डेफिनेशन, क्या लिखना है किसी को तो लिख लो अपने मन से, मैं लिखवाऊंगा नहीं, जरूरत नहीं है उसकी ठीक है। टेम्परेचर बच्चों क्या होता है? टेम्परेचर के लिए बच्चों हमने एक लॉ पढ़ा है आपने थर्मोडायनेमिक्स में, याद है, बताया होगा सर ने, अमित सर ने थर्मोडायनेमिक्स हुई है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बताया है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो टेम्परेचर की डेफिनेशन ही बताता है बच्चों, क्या याद है किसी को? ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर ए और बी को कांटेक्ट में रखें बच्चों, इनके बीच आपका टेम्परेचर का ट्रांसफर, सॉरी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और अगर ए और सी इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखो ये टेम्परेचर की डेफिनेशन कैसे बताता है, वास्तव में टेम्परेचर है क्या बच्चों, ऐसी क्वांटिटी है जिसके कारण हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट का ट्रांसफर होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि टेम्परेचर बच्चों इन दोनों का सेम है, ये बता रहा है। और सेम है तो कैसे डिफाइन करोगे, मान लो तुमने ये वाला आइस ले लिया, सिर्फ क्या ले लिया, आइस ले लिया ठीक है। अरे अरे बात समझ, अगर इन दोनों के बीच तुमने एक मेटल रख दिया, इन दोनों के बीच हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मेटल भी किस पर है, जीरो पर है। अरे इसका मतलब ये मेटल क्या है, जीरो पर है ठीक है ना। ऐसे मतलब एक रेफरेंस लेते हो नहीं लेते, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट नापते हो किसी की, तो जमीन से नापते हो तो जमीन क्या लिया तुमने, जीरो ले लिया, रेफरेंस ले लिया, ऐसा ही होता है ठीक है ना। टेम्परेचर बच्चों बताता क्या है, कोई बॉडी क्या है तुम्हारी, कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ठीक है ना। लिख लो चाहो तो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, शॉर्ट में लिख लो, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि ये आप एक्सपीरियंस कर पाओ हॉटनेस या कोल्डनेस, मैं बताऊंगा क्यों ठीक है, एग्जांपल लेकर आऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा ठीक है। जब आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ठीक है। जो आप फील करते हो ना बच्चों, वो टेम्परेचर नहीं होता, वो हीट का ट्रांसफर होता है। अरे अरे बात समझ में, जो आप फील करते हो किसी बॉडी को छू करके वो क्या होता है? अच्छा अरे ये डेस्क छुओ ठीक है, और ये वाले लकड़ी वाले छुओ, कौन ज्यादा ठंडा है, मेटल वाली? बट दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर पर है, क्यों? अरे खुद सोचो, ये थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया नहीं कर लिया होगा इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट सही ओपन है नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोनों में क्या है, टेम्परेचर सेम है, बट इसको ज्यादा ठंडी क्यों लग रही है, क्योंकि यहां पर ये मेटल क्या है, हीट का अच्छा कंडक्टर है,
तो इसकी बॉडी गर्म है इसे कंपैरिजन में, तो वो कह रहा है हीट का ट्रांसफर जल्दी से हो रहा है तुमको। अरे ठीक है, यहां पर हीट का ट्रांसफर क्या हो रहा है, देर से हो रहा है, कुछ देर बाद ऐसे लगाकर देखना सेम लगेगी दोनों। अरे ठीक है बच्चों, अरे यारी बात समझ में। yes. जो आप फील करते हो, फॉर एग्जाम्पल लकड़ी की सीट बच्चों कम ठंडी लगती है, मेटल की सीट ज्यादा ठंडी, तो वो मेटल ज्यादा आपका हीट अच्छे से कंडक्ट करता है, इस कारण लगता है वो। इसका मतलब ये नहीं टेम्परेचर डिफरेंस है। अब टेम्परेचर डिफरेंस होता अगर मान लो यही मेटल है, ठीक है ना, ठंडा है, दूसरा मेटल मैं पानी से गर्म पानी से निकाल कर रख दूं, वो गर्म रहेगा, जाहिर सी बात उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो हर वक्त तो ऐसा नहीं कि धोखा देता है, बट कभी कभी धोखा भी दे देता है। जो आप फील करते हो वो हीट का ट्रांसफर है, ज्यादा गर्म होगा यार तो इस हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। अरे आगे बात समझे बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। हमेशा जो आप फील करते हो वो टेम्परेचर नहीं है, वो हीट का ट्रांसफर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा सभी ने बचपन से, याद है बच्चों कई स्केल्स होती हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। यस सर। फॉर एग्जांपल हम इंडिया में क्या यूज करते हैं इसे गर्मी को मेजर करने के लिए, कौन सा स्केल, सेल्सियस स्केल। और वहां पर इसे यूएसए वगैरह में कौन यूज करते हैं, फारेनहाइट, वहां पर फारेनहाइट यूज करते हैं। तो वहां पर कहते हैं कि टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्रीज हो गया, ठीक है ना। मैं छोटा था तो सोच रहा था कि वो तो उबल जा रहे होंगे वहां वाले लोग, ठीक है, बट वास्तव में क्या है वो किसे मेजर कर रहे हैं, फॉरेनहाइट। तो 40 या 45 के अराउंड क्या होता है आपका, 100 डिग्री फॉरेनहाइट आ जाता है, यहाँ पे तो 50 पार हो जाता है। अरे यार ये बात समझ बच्चों, ठीक है। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कई टाइप के स्केल होते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारा आइस होता है बच्चों किस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, 0 डिग्री, कौन सा, सेल्सियस। बट इसी को क्या कहते हो, 273 केल्विन। और 32 फॉरेनहाइट। अरे कहते नहीं कहते हो, यस सर। क्या 0 डिग्री इंपॉर्टेंट है कि आइस का मेल्ट होना इंपॉर्टेंट है। अरे भाई ऐसा टेम्परेचर जहां पर आइस मेल्ट हो, मैं अपना रीडिंग बना लू शुभम स्केल तो क्या लिख दूंगा मैं, मान लो मैं कह रहा हूं 200 पर आपका, मेरा क्या है तुम्हारा यहाँ पर आइस मेल्ट हो रहा है 200S, तो आर्या स्केल बना लेगी अपना 200A। अरे ठीक है ना, बट डिपेंड करता चलती किसकी है। अरे अरे बात समझे, सेल्सियस की चल गई, केल्विन की भी चल गई, लॉर्ड केल्विन एक नाम था, ठीक है ना, लॉर्ड थॉमसन भी कहते थे, ठीक है ना, ये फॉरेनहाइट, ठीक है ना। अरे अरे बात समझ, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट यूज होता है। जो आप कहते हैं नहीं आपका बॉडी का टेम्परेचर 100 पर, बुखार वगैरह नापते नहीं नापते, तो वो क्या होता है, फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है ना बच्चों, किसी को तुम जो कोई भी आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि रीडिंग क्या आ रही है, काम क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पर क्या हो रहा है, तुम्हारी आइस क्या हो रही है बच्चों, मेल्ट हो रही है। अब उसी को मैं चाहे 0 कह दो, 273 केल्विन कह दो, 32 फारेनहाइट कह दो, 200 आर्या कह दो, ठीक है, वो क्या है, अरे सेम है कि नहीं सेम है बच्चों, ठीक है ना। अब इसी प्रॉपर्टी के यूज करके सब में बच्चों रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये वास्तव में क्या है, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है, इसमें डिफरेंट स्केल से बच्चों क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अरे ठीक है, ठीक है, अब उसके लिए समझो, ढंग से समझो, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे बच्चों। मान लो एक, ठीक है, ठीक है, आई एक तुमने ग्लास की यूट्यूब ले ली ग्लास की यूट्यूब ले ली, ठीक है ना, 3 बर्तन लिए बच्चों, क्या लिए तुमने, 3 बर्तन लिए, सब में क्या आइडेंटिकल बर्तन थे बच्चों, आइडेंटिकल ट्यूब थी, आइडेंटिकल बर्तन थे और आइडेंटिकल ट्यूब थी। अच्छा शुरुआत में क्या रखा बच्चों, मैंने तीनों ट्यूब को कहां पर रखा, 0 डिग्री सेल्सियस के यहां पर आइस बॉक्स में रखा, किसमें रखा,
आइस बॉक्स में, मेल्टिंग आइस में रखा, इसमें रखा या इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है लिख देते हैं मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आइस का मतलब क्या है बच्चों, जान रहे हो आइस यहां पर मेल्ट हो रही है, ठीक है मेल्टिंग आइस। ठीक है अच्छा, ये मान लो बच्चों सेल्सियस वाला है, ये क्या है केल्विन वाला, ये क्या है फॉरेनहाइट वाला। तो सोचो अब सेम हो रहा है, समझ पाए नहीं सोच पा रहे, ठीक है ना, सेम सब कुछ आइडेंटिकल है, ठीक है डायरी बात समझ। यहां पर इसमें मान लो मरकरी भरा हुआ बच्चों, क्या भरा हुआ इसमें मरकरी, ट्यूब में क्या भर दिया तुमने मरकरी, क्या दो सभी में हाइट तो सेम होगी, नहीं सेम होगी, जो मरकरी बच्चों जितना हाइट पर चढ़ा होगा वो क्या होगा तीनों में सेम, अरे सब कुछ आइडेंटिकल है नहीं है बता दो। यस सर। तो मरकरी सेम हाइट पर चढ़ा होगा सभी में, यस सर। क्या इतनी बात चमक रही है सभी बच्चों को, अरे सब कुछ आइडेंटिकल एक नहीं है। ये मान लो कितनी हाइट है बच्चों H1, कितनी हाइट है H1, अरे यार ये बात समझ में सभी बच्चों को क्लियर हुई ये बात। yes, पर यहां पर सेल्सियस क्या कहेगा इसकी वैल्यू को, जीरो डिग्री। ये क्या कहेगा केल्विन वाला 273, और ये क्या कहेगा 32 फारेनहाइट, ये कहेगा। अच्छा अभी मैं क्या किया इसको मेल्टिंग आइस या क्या रख दिया बच्चों, बॉइलिंग वाटर में रख दिया, किसमें रख दिया, मैं दूसरा फिगर नहीं बना रहा, तुम दूसरा फिगर बनाना ठीक है ना, मैं आलसी आदमी हूँ। यहाँ पर क्या रख दिया बॉइलिंग वाटर, किसमें रख दिया बच्चों बॉइलिंग वाटर, तो अभी भी क्या होगा बच्चों ये लिक्विड क्या हीट कर रहे हो तो क्या करेगा लिक्विड एक्सपैंड करेगा। अरे फॉर एग्जांपल तुम जैसे तुमको मगर मीजर करना बुखार वगैरह अपना टेम्परेचर क्या करते हो, तो थर्मामीटर अपने मुंह में रखते हो, अरे एक्सपैंड करता नहीं करता मरकरी, यस सर, बच्चों मरकरी क्या करेगा एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो मान लो जो एक्सपैंड करेगा सब कुछ आइडेंटिकल लग नहीं है, तो फाइनल हाइट भी क्या हो जाएगी तुम्हारी आइडेंटिकल। मान लो H2 पर आ गया बच्चों, क्या ये हाइट सब में आइडेंटिकल होगी तीनों में, कहती बात समझ पा रहे हो। यस सर। ठीक है ओके, इसको ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं, बट यहां पर सोचो सेल्सियस वाला क्या कहेगा बच्चों इस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या कहेगा 273, और ये क्या कहेगा बच्चों 212, ये क्या कहेगा 212 फॉरेनहाइट। ठीक है अरे यारी बात समझो, अब देखो रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं बच्चों, H2 क्या है दोनों में सेम, ठीक है। अच्छा अगर मान लो किसी टेम्परेचर पर आपको मेजर करना है, ठीक है ना, किसी टेम्परेचर को आपको मेजर करना है बच्चों, मान लो तुमने एक बाल्टी में ठीक है पानी भर लिया बच्चों, ना पानी जीरो पर है ना तो 100 पर है, बीच में कहीं पर है, मान लो उसको मेजर करना है, तो उस केस में अगर सभी को ठीक है ना तीनों को रखोगे उस केस में भी हाइट क्या आएगी बच्चों सेम। अरे भाई सभी को सेम बर्तन में रखा उस ठीक है ना, तो क्या आएगी हाइट सेम। मान लो बच्चों वो हाइट कितनी आ गई H3, क्या आ गई H3, क्या वो भी सभी में सेम आएगी। मान लो ये T डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहा है बच्चों, ये क्या मेजर कर रहा है T फॉरेनहाइट, ये सॉरी केल्विन, और ये कितना मेजर कर रहा है T फॉरेनहाइट, ठीक है। अब समझो ढंग से, क्या टेम्परेचर चेंज करने पर बच्चों जो लेंथ में चेंज आया ठीक है ना, टेम्परेचर जो चेंज है वो क्या है, टेम्परेचर चेंज किया कि नहीं किया बच्चों, तो क्या लेंथ में चेंज आया कि नहीं आया, लेंथ बढ़ी नहीं बढ़ी। यस सर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी थर्मल एक्सपेंशन बताऊंगा ठीक है ना, डेल्टा टी बढ़ाओगे बच्चों
ये फॉर्मूला आता है, ये पढ़ा होगा शायद स्कूल वगैरह में, डेल्टा एल क्या आता है, एल अल्फा डेल्टा टी, पढ़ा नहीं पढ़ा ये स्कूल में? नहीं पढ़ा ये तो। हाँ पढ़ा है। मतलब ये समझो, अगर ठीक है टेम्परेचर दुगना करोगे लेंथ में इंक्रीज भी डबल हो जाएगा, ठीक है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये समझो। मतलब डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट आएगा के डेल्टा टी, अरे ही नहीं आएगा, ठीक है yes. अच्छा ये कॉन्स्टेंट के बोले बच्चों डिफरेंट स्केल में क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्यों? क्योंकि डेल्टा एल तो सेम आया, बट पहले में कह रहे हो, देखो पहले में कह रहे हो बच्चों 0 से 100 कितना चेंज आया, 100 का, इसमें कितने का आया, 100 का आया, बट इसमें कितने का चेंज आया, 30 to 212, 180 का, इसमें टेम्परेचर में, इस स्केल में टेम्परेचर में चेंज डिफरेंट आ रहा है, अरे अरे नहीं आ रहा, तो K1 की बच्चों सभी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, डिफरेंट होगी, K1 K2 K3 की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। पहले में कितना चेंज आया बच्चों, मान लो जब 0 से 100 लेकर जा रहे थे तो कितना चेंज आया, H2 - H1, अरे बच्चों 0 पर कितना था H1 और 100 पर कितना था H2, सेल्सियस के लिए लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू K1 इंटू कितना आ गया बच्चों टेम्परेचर में चेंज, 100 - 0, अरे आगे नहीं आ गया। और जब बच्चों तुमने H1 से H3 तक इंक्रीज किया, H1 से कितना इंक्रीज किया, H3 तक, तो क्या बताओ, सेल्सियस के लिए लिख रहा हूं बच्चों, H3 - H1 कितना लिखोगे, कांस्टेंट तो K1 ही रहेगा, मान लो टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों T, कितना मेजर कर रहा है T, और कितना था ये, अरे भाई H1 पर कितना था टेम्परेचर, 0। क्या दूसरे स्केल के लिए बता सकते, नहीं बता सकते बच्चों, अच्छा इसको डिवाइड कर दो दोनों को, H2 - H1 / H3 - H1 कितना होगा बच्चों, या ऐसे लिख दो H3 - H1 / H2 - H1, ज्यादा अच्छा लगेगा, H3 - H1 / H2 - H1 कितना आएगा बच्चों, T / 100 K1 डालना, T - 0 लिखना भी बताऊंगा क्या क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि जीरो वैल्यू डिफरेंट स्केल्स में डिफरेंट है, अपॉन क्या लिखूंगा K into K1 into क्या लिखूंगा 100 - 0, क्या K1 कैंसिल बच्चों, अरे आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे कैंसिल, यस सर। अच्छा अब सोचो जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या सारे स्केल में सेम आएगा, नहीं सेम आएगा, अरे बता दो, यस सर, ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए सेम। अब देखो बट यहाँ पर नंबरिंग नेम बच्चों अलग है, काम सेम हो रहा है, नेम अलग है, ये टी डिग्री क्या है सेल्सियस है, केल्विन में क्या लिख देंगे बच्चों टी केल्विन, वहां पर सोचो जीरो वाले क्या लिखोगे बच्चों 273, क्या लिखोगे 273, और 100 वाले क्या लिखोगे 373 - 0, केल्विन में सॉरी फॉरेनहाइट में क्या लिखोगे TF, सॉरी 273, ठीक है, कभी कभी सिस्टम हैंग हो जाता है, बताओ TF माइनस क्या होगा बच्चों यहाँ पर 32, यहाँ पर क्या लिखोगे, अरे भाई हायर कितना है 200 वाला माइनस 32, क्यों, क्योंकि S3 - H1 / S2 - H1 तो क्या बच्चों सेम है, वास्तव में कर क्या रहे हो बच्चों, मान लो आर्या स्केल बना लिया हमने, आर्या बताओ तुम अपना बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट किस पर रखोगे, नहीं नॉर्मल वाला बताओ, ठीक है 4, ठीक है ना, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट किस पर रखोगे 500, यार कुछ सिमिलर कुछ तो रखो, बॉइलिंग पॉइंट इतना लो, वास्तव में हो क्या रहा है बच्चों, कोई भी स्केल बना लो, इसने भी क्या लिया आर्या ने भी क्या ले लिया बच्चों एक आइडेंटिकल बर्तन ले लिया, तो सेम हाइट होगी नहीं होगी, सेम हाइट में आपका वेरिएशन होगा, है क्या बच्चों ये टेम्परेचर एट दैट स्केल, माइनस क्या है बच्चों ये क्या है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट है, अरे क्या है बच्चों आइस का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है बच्चों आपका बॉइलिंग पॉइंट, सही भी नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर ये भी कर रहे हो टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट उस स्केल पर अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर भी ये कर नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है बच्चों, आप अपना नया स्केल बना सकते हो। क्या है बच्चों, टेम्परेचर एट दैट स्केल टी एस माइनस क्या है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल। ये क्या होगा बच्चों, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अपना भी स्केल आप बना सकते हो। अरे आई बात समझ में, ये चित्र बना लो बच्चों। ध्यान देना ये हमेशा बॉइलिंग वाटर में ही नहीं है, ठीक है। लिख लिया? Yes, sir. नहीं सर, असल में हिमांशु से पूछा था, उन्होंने कहा था कि उसको हटाने को बोला था एक बार, फिर कहा वैसे ही छोड़ देना, उसको कुछ मत करना, एक ही साइज रखनी थी ना, बात ये थी। मैंने पूछा तो बोला वैसे ही रखे रहे। एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिए, शायद उसको हटाना ही पड़ेगा। क्या लिख लिया बच्चों? अरे कुछ लिखना नहीं था इसमें। Yes. ठीक, चल ठीक है। देखो एक इसमें काम की बात है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखो बच्चों हुआ क्या कि जब मैं यहां से फ्रीजिंग पॉइंट से मेल्टिंग आपके बॉइलिंग पॉइंट तक गया तो कितने डिवीजन बढ़े, 0 से 100, कितने डिविजन्स बढ़े, 100 डिविजन्स बढ़े केल्विन स्केल पर। एक डिवीजन मतलब ऐसे होता है, नहीं होता ऐसे लिखा रहता है ऐसे, अरे ऐसे होता है ना, वही एक डिवीजन। इसमें भी कितने बड़े बच्चों, 273 से कितना बड़ा, 373, इसमें भी कितना बड़ा, 100। मतलब इसके और इसके डिवीजन्स क्या है बच्चों, सेल्सियस और केल्विन की क्या डिवीजन, सेम। बट यहां पर देखो कितने हैं, यहां पर 32 से कितना बड़ा, 212, कितना बड़ा बच्चों, 180। मतलब इसके डिवीजन स्केल छोटे छोटे नहीं होंगे बच्चों कंपेरेटिवली। तो यहां पर देखो अब चेंज जो लिखते हैं ना बच्चों, अब चेंज मान लो सेल्सियस में भी कितना हुआ, 0 से 100, उसमें भी कितना हुआ, 100। तो चेंज जो हुआ दोनों में सेम होगा, सेल्सियस और केल्विन में। डेल्टा टी बच्चों चाहे सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो सेम होगा, क्योंकि चेंज क्या आएगा हमेशा, मतलब सेम आएगा, नहीं 100 ही आए, अरे ठीक है। हालांकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो अलग आ जाएगी, अरे एब्सोल्यूट वैल्यू वो अलग आ जाएगी, केल्विन में 273 जोड़ते हो ये तो पढ़ा होगा, ठीक है। बट चेंज बच्चों क्या आएगा, हमेशा सेम है, क्योंकि डिविजन्स क्या होते हैं, सेम। जबकि उसमें भी चेंज क्या आएगा बच्चों, अलग अलग आएगा। देखो कहने का मतलब क्या है कि जो 1 डिवीजन ऑन सेल्सियस है बच्चों,
वन डिवीजन ऑन सेल्सियस, ये किसके बराबर है? वन डिवीजन ऑन केल्विन। ध्यान देना बच्चों, बहुत बार आता है आपको अगर डेल्टा टी है, ठीक है ना, तो अगर सेल्सियस में भी पता चल गया तो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई उसमें भी 273 जोड़ोगे, फाइनल टेम्परेचर में भी, नीचे में भी क्या जोड़ोगे? 273, घटके क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है ना, उतना ही आ जाएगा। बट देखो, सुन लो, 100 डिविजन्स बच्चों सेल्सियस किसके किसके बराबर है बच्चों? 180 डिविजन्स ऑन, तो जो 1 सेल्सियस का है बच्चों कितने के बराबर होगा? 180 बाई 100 फॉरनहाइट के, ये कितना आ जाएगा? 9/5। तो 1 डिवीजन बच्चों सेल्सियस कितने के बराबर है? 9/5 फॉरनहाइट में। अरे मतलब सेल्सियस वाला ज्यादा नहीं आता, इक्वल टू क्या है बच्चों? 9/5 इसके 1 डिवीजन ऑन फॉरनहाइट। ठीक है ना, एक मैं इस क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है ना, तो उसमें ध्यान देना मैं गलती किया था, मैंने सेल्सियस में उसमें फॉरनहाइट में आपका इंक्रीज दे रखा था, ठीक है ना, जबकि जो यूनिट डिफरेंट यूनिट्स थे उसमें सेल्सियस में इंक्रीज चाहिए था, तो मैंने दोनों सेम कर दिए। मैं सोचा कि डिवीजन सेम होते हैं, जबकि क्या होता है इसमें डिवीजन अलग अलग होते हैं। तो अगर सेल्सियस में 20 का इंक्रीज आ रहा है तो इसमें कितना होगा? सॉरी, फॉरनहाइट में मान लो 20 का इंक्रीज आ रहा है, सेल्सियस या केल्विन में कितना होगा? 9/5 × 20, ठीक है, कितना जाएगा? 36 का होगा वास्तव में। सॉरी 5/9 का होगा, ठीक है, अगर सेल्सियस में 20 का है तो इसमें कम होगा, 5/9 का होगा। आगे बात समझ बच्चों? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने बताया था ना, आप अपने मन से भी एक टेम्परेचर स्केल डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। मान लेते हैं वीजे ने डिफाइन किया एक, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था बच्चों? 65 डिग्री वीजे, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? -15 डिग्री वीजे। अब बताना था आपको -95 डिग्री वीजे के करस्पॉन्डिंग फॉरेन हाइट स्केल पर कितनी रीडिंग होगी, ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग कितना डिग्री, मान लो एक्स डिग्री फॉरेन हाइट होगा तो एक्स की वैल्यू बता ली, ठीक है। अरे लिखोगे नहीं लिखोगे बच्चों? क्या होता है टेम्परेचर एट दैट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑन दैट स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट दैट स्केल, ये रेशियो क्या होता है? सभी के लिए फिक्स होता है, ठीक है, दोनों को बराबर कर दो आ जाएगा। सर 212 है क्या आंसर? क्या कह रहे हो? 212 है क्या आंसर? देखा नहीं दोस्त, अभी देखना। क्या लिखोगे आप? मान लो भाई फॉरनहाइट के लिए क्या लिखोगे? x माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट कितना 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल टू क्या होगा इसमें माइनस 95 प्लस 15 मान लो इसमें बच्चों माइनस 95 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना बच्चों माइनस 15 माइनस 15 अपॉन 65 प्लस 15 प्लस माइनस अच्छा माइनस माइनस 15 होगा ना तो प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 180 आएगा ना और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 और कितना आ जाएगा तुम्हारा 80 x माइनस 32 क्या होगा बच्चों आपका 80 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों ये माइनस में आपका 80 तो क्या होगा कैसे माइनस 180 x कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 32 प्लस 180 माइनस प्लस 148 माइनस का 148 ठीक है ना इतना फारेनहाइट आ रहा है आ गया ठीक है अरे किसी को डाउट है बच्चों इसमें नो सर ठीक है ना अच्छा इसमें एक एक क्वेश्चन लिख लो ठीक है ना बहुत ही आसान है कोई ऐसा स्केल भी होगा ना बच्चों टेम्परेचर जहां पर दोनों की रीडिंग सेम हो जाएगी मान लो सेल्सियस या फारेनहाइट की तो वो इस आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर ठीक है ना जहां पर दोनों में रीडिंग क्या आएगी सेम मान लो उसमें एक्स सेल्सियस आ रहा उसमें भी क्या आएगी एक्स फारेनहाइट आएगी तो टेम्परेचर जो है ना ये वैल्यूज जो है ये क्या हो जाएंगी ये वैल्यू सेम ठीक है ना लिख लो फाइंड टेम्परेचर एट विच फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल गिव सेम रीडिंग फाइंड टेम्परेचर एट विच फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स गिव सेम रीडिंग एक बार आप सर से पूछ लीजिए क्या करना है हटाने में क्या वो कट ही हो जाएगा बहुत जल्दी x is equal to minus 40 क्या सभी का आ रहा है अगर अगर वो कह रहे हैं वैसे ही रहने दीजिएगा जहाँ तक वैसे ही रहने कहेंगे क्योंकि उसमें सर थ्योरी थ्योरी लिखने कोई फायदा है नहीं आंसर्स तो उसमें है नहीं डीपीपी वाले में अगर मान लीजिए लगेंगे भी तो थ्योरी थ्योरी लिखने का कोई फायदा है नहीं मैंने पूछा था शायद एक बार ठीक है लिख लिया बच्चों माइनस 40 आ रहा है ठीक है ओके देखो देखो ये जो हमारा बच्चों स्केल था ये किस पर बेस्ड था तुम्हारा एक्सपेंशन कर दे तो लेंथ बच्चों क्या होती है तुम्हारी बढ़ती है ठीक है ना ये इस पर बेस्ड था अब देखो कई चीजें होती हैं जो आपकी एक्सपेंड करने पर चेंज होती है उसकी मदद से भी बच्चों हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं ये तो लेंथ एक बेसिस तक नहीं था बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ इंक्रीज होगी डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल था अब तुमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा नहीं पढ़ा अरे पढ़ा है क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन अच्छा यहाँ पर बच्चों V को मैं कांस्टेंट ले लूँ क्या ले लूँ V को कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट तो V डेल्टा P किसके बराबर होगा nr डेल्टा T तो डेल्टा T क्या आ गया बच्चों V by nr डेल्टा P क्या कुछ लग रहा है नहीं लग रहा आपको कुछ मतलब डेल्टा T किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों डायरेक्टली डेल्टा P के तो जैसे उसमें डेल्टा टी डेल्टा एच किसके प्रोपोर्शनल था डेल्टा टी के वैसे इसमें डेल्टा टी किसके आ रहा है डेल्टा पी के आ रहा है तो एक बच्चों प्रेशर का यूज करके भी क्या बना सकते हैं हम थर्मामीटर बना सकते हैं और उसमें लिक्विड क्यों यूज किया ऐसे सोच लो
गैस का कोई लेंथ होता है क्या? किसी बर्तन में रखोगे तो पूरा लेंथ ले लेगी, तो इसमें गैस भर सकते थे क्या इस वाले में? सॉलिड भरते, सॉलिड का एक्सपेंशन बहुत कम होता है, वो तुम देख ही नहीं पाओगे। अरे समझ पा नहीं, समझ पा रहे बच्चों? लिक्विड में क्या होता है? मीडियम में होता है, तो लिक्विड इसमें भरा। अब अगर मान लो तुम हीट करोगे तो क्या लिक्विड में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन आएगा? सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसमें आएगा, मतलब आपका अच्छे से एक्सपेंशन जिसमें मेजर कर पाओगे किसमें आएगा? लिक्विड में, गैस में। अरे किसमें आएगा बच्चों? आपका टेम्परेचर भी जब बढ़ाओगे तो प्रेशर में चेंज जो होगा किसके कारण होगा ज्यादा? गैस में, गैस। ठीक है ना? तो इसमें बच्चों इस थर्मोमीटर में क्या यूज करते हैं? गैस यूज करते हैं। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। अरे सर वो कह रहे हैं कि एक में लिखी होगी ना, उससे कुछ समय कॉपी पेस्ट कर दीजिए, हो जाएगा। वही तो करना है जब थ्योरी लिखना है सब, जैसे कुछ जरूरी तो है नहीं या बहुत टाइम लगे, नहीं तो कहीं मैं ही कर दूं। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? अच्छा, एक होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या होता है एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर? कैसे? जब टेम्परेचर बढ़ाते, तुमने पढ़ा है मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो डेल्टा आर जो होता है बच्चों रेजिस्टेंस में चेंज, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अरे होगा नहीं होगा, यहाँ पर क्या डेल्टा पी किसके प्रोपोर्शनल था बच्चों? डेल्टा टी के। तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी होता है, एक तो लेंथ पर बेस्ड आ गया, एक तो क्या आ गया प्रेशर पर बेस्ड आ गया, एक तो क्या आ गया रेजिस्टेंस पर बेस्ड आ गया। सभी बच्चों सेम है। देखो हुआ क्या, तुमने कैसे मेजर किया था ना, यहाँ पर क्या लिखा था बच्चों? लेंथ है टेम्परेचर टी माइनस लेंथ एट जीरो, ये था नहीं था बच्चों? अरे भाई एच थ्री माइनस एच वन तक नहीं था, देखो एच थ्री माइनस एच वन ही लिख रहा हूं मैं, एच थ्री माइनस एच वन ये था क्या बच्चों? लेंथ एट टी माइनस लेंथ एट जीरो अपॉन क्या था? एच टू माइनस एच वन, क्या था ये? लेंथ एट हंड्रेड, अरे बॉइलिंग लेंथ एट, ऐसे कर लो इसको, ऐसे लिख दो, हाँ मतलब जीरो लिख दो अभी समझने के लिए, ठीक है सेल्सियस के लिए समझने जीरो लिख दो। ये क्या लिख दो आप? लेंथ एट, सॉरी ये तो हंड्रेड था, ये कहते हैं लेंथ एट जीरो, जीरो मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना? अगर बच्चों ठीक है ना, ये क्या था तुम्हारा? टेम्परेचर एट सेल्सियस माइनस जीरो अपॉन टेम्परेचर एट सॉरी हंड्रेड माइनस जीरो, ये क्या था? टेम्परेचर एट मान लो फॉरनहाइट ले लो माइनस थर्टी टू अपॉन सॉरी 212 माइनस 32। अरे केल्विन के लिए लिख दोगे नहीं लिख दोगे बच्चों? लिख दोगे? मैं लिख नहीं रहा हूं। अब देखो इसकी जगह बच्चों कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर में क्या आ जाएगा तुम्हारा? प्रेशर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? पी एट टी, अरे आ नहीं आ जाएगा? माइनस पी एट जीरो अपॉन पी एट हंड्रेड माइनस पी एट जीरो, मतलब जीरो समझना मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट, हंड्रेड मतलब मेल्टिंग पॉइंट है। रेजिस्टेंस वाले में क्या आ जाएगा बच्चों? आर टी माइनस आर जीरो अपॉन क्या हो जाएगा? आर हंड्रेड माइनस आर जीरो। अरे समझना ही समझना है बच्चों, ठीक है कि तो किसी भी चीज का यूज करके, किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके हम मेजर कर सकते हैं। एक रेफरेंस लेते नहीं लेते, बताया था ना थर्मो आपका टेम्परेचर भी कैसे डिफाइन किया था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रेफरेंस लिया तो नहीं लिया था एक बॉडी का, ठीक है? अरे यही बात समझ में। मैं एक प्रेशर वाले पर एक क्वेश्चन तुमको करा दे रहा हूं, ठीक है?
अरे भाई प्रेशर वाले पर एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ तुमको। यस सर। क्या अब प्रेशर वाला ये गैस का है, डेल्टा लिक्विड का है, तो कैसे करोगे? ठीक है लिखो जो मैं लिख। प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस इज 50 mmHg। प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 50 mmHg। प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 90 mmHg। 90 mmHg बताया था ना, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम से निकालते हैं प्रेशर, ठीक है ना? तो डायरेक्ट रख देना, ठीक है, जरूरत नहीं है रोजी एच करना है आपको, डायरेक्ट रख देना आ जाएगा, ठीक है ना? पीटी जो यहाँ पर पीएनडीटी कर देना 90, ठीक है। फाइंड टेम्परेचर एट विच प्रेशर इज, फाइंड टेम्परेचर एट विच प्रेशर इज 60 mmHg, ठीक है, करके बताओ बच्चों जल्दी से। इसी का ही यूज करो जो एक क्या आ गया सभी का? किसी और का आया बच्चों? यस सर। कितना? 1/4। नहीं यार, 1/4 डिग्री सेल्सियस। रुको सर, बस आ गया, गलत बोल दिया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो पार्थ, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तुमने बस। अच्छा हाँ फिर ठीक है। कितना आ गया अभी? 25। हाँ देखो बच्चों, अरे ये दोनों बराबर नहीं है। TC माइनस C0 अपॉन 100 माइनस 0 किसके बराबर है? PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0। तो बस मान लो वो टेम्परेचर स्केल क्या हो जाए, TC TC माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, बस ये तो सारा पता ही नहीं पता तुमको। PT का जो कितना दे रखा है 60, उस टेम्परेचर पर कितना mmHg है 60, P0 कितना है 50। अगर तुम रोजी एच करते प्रेशर के लिए तो रोजी रोजी का मन आ जाता, कट जाता ऊपर नीचे, ठीक है। और यहाँ पर कितना बच्चों 90 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा यह? ये 10 और ये कितना आ जाएगा बच्चों 40, तो 100/4 कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस। अरे आ गया समझ में? अरे चैप्टर आसान है बच्चों बहुत, ठीक है। अरे आ रहा है ना समझ में? यस सर। दुखी नहीं है ना? और क्या नाम है वो, काफी सारे नहीं आए, ठीक देखो। ओके बच्चों, एक लास्ट हेडिंग लिख लो, ट्रिपल पॉइंट। थर्मल एक्सपेंशन का रीजन हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ट्रिपल पॉइंट जानते हो, सर ने बताया होगा। क्या ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट मतलब क्या होता है? ट्रिपल मतलब क्या होता है? तीन। ये ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जहां पर लिक्विड सॉलिड और गैसीय स्टेट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना? लिखवा दे रहा हूं मतलब, ठीक है ना, कभी यूज नहीं होता बट लिखवा दे रहा हूं, ठीक है ना, लिख लो। ए टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच लिक्विड सॉलिड एंड गैस स्टेट of all of a substance, the temperature at which liquid, solid and gaseous state of a substance exist, coexist, ऐसे लिख लो, coexist in equilibrium, coexist in equilibrium, coexist in equilibrium, ठीक है ना?
अब फॉर वाटर देखो, फॉर वाटर के लिए बच्चों ये 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है सॉरी 0.01 डिग्री सेल्सियस ये होता है, मतलब लगभग 0 डिग्री सेल्सियस करिए, कितना होता है ये लगभग 0 डिग्री सेल्सियस करिए, मतलब सोचो अगर बच्चों बर्फ पानी में कब चेंज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और पानी बर्फ में भी कब कितना चेंज होता है, अगर देखो आइस कभी मेल्ट हो रही तो उसमें पानी भी रहेगा और आइस भी रहेगी, देखा नहीं देखा। अब इक्विलिब्रियम में क्यों है 0 डिग्री सेल्सियस, ये ना आइस पानी में चेंज हो रहा है ना पानी आइस में चेंज हो रहा है, घटाओगे तो सारा का सारा अगर मैंने घटा दो सारा का सारा वाटर आइस में चेंज हो गया, बढ़ा दोगे तो सारा का सारा आइस वाटर में चेंज हो गया, बट एग्जैक्ट इस पर क्या होगा दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और गैसियस भी कुछ ना कुछ वाटर वेपर भी रहती है ठीक है ना, वो भी इक्विलिब्रियम में रहेगी बच्चों। अरे आया समझ में ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ठीक है ओके बच्चों आज के लिए इतना ही ठीक है ना, रिवीजन कर लेना ठीक है ना कल के टेस्ट के लिए। थैंक यू सर। तीनों सब्जेक्ट का है? हाँ तीनों सब्जेक्ट का है, तीनों सब्जेक्ट का नहीं मेरे टेस्ट का, जैसे लास्ट पर हुआ नहीं, हिमांशु सर बोल रहे थे शायद से मैथ तो उसका भी हो, वो बाद में बोल रहे थे, अभी तो मेरा ही है। ओके सर फोकस करो, बाकी चैप्टर बाकी सब्जेक्ट नॉन इम्पोर्टेंट ठीक। ओके सर।